ब्याज दरें बने के दौर में कराएं होम लोन रिफाइनेंसिंग, हो सकती है मोटी बचत। आरबीआई के नीतिगत दर में बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरों में लगातार इजाफा कर रहे हैं बैंक। कालीचरण, नई दिल्ली महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरह आरबीआई भी नीतिगत दर में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इस साल मई से अब तक रेपो दर में लगातार 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। तब से अब तक रेपो दर 4% से बढ़कर 3 साल के उच्च स्तर 5.90% पर पहुंच गई है। यही वह दर है जिस पर आरबीआई केंद्रीय बैंकों को कर्ज देता है। ऐसे में अगर केंद्रीय बैंक रेपे दरअसल 30 सितंबर को केंद्रीय बैंक के रेपो दर में बढ़ोतरी करने के कुछ घंटे बाद ही एसबीआई समेत कई बैंकों ने अपने अपने कर्ज महंगे कर दिए हैं या बैंक भी दरें बढ़ाने की तैयारी में है, जिसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो ब्याज दो बढ़ने के था सलोन रिफाइनेंसिंग से ईएमआई का बोझ घटाने के साथ मोटी बचत भी कर सकते हैं। 1.90% बढ़ चुकी है रेपो दर मई से अब तक 4 बार में। क्या है होम लोन रिफाइनेंसिंग? कम ब्याज दर जैसी शर्तों वाला नया होम लोन लेकर मौजूदा होम लोन को चुकाना ही होम लोन रिफाइनेंसिंग है। नया लोन आप मौजूदा या नए पुनर्भुगतान शुरू कर सकते हैं। नए लोन में ब्याज दर कम होगी तो ईएमआई का बोझ भी कम होगा। कब सेनी चाहिए सुविधा? लोन अवधि का पहला आधा हिस्सा खत्म से पहले इसकी रिफाइनेंसिंग बेहतर विकल्प है। यही यह समय होता है जय ईएमआई में आ, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर और कमाई बेहतर हो गई हो, ऐसे भी कर सकते हैं बचत। ऐसे में ईएमआई के बोझ से मान लो जे आपने 8% ब्याज दर पर 20 साल वानी 240 महीने के 5 लाख रुपए का होम लोन लिया है। इस लोन पर आपको 50.37 लाख रुपए का सिर्फ ब्याज चुकाना होगा। इस तरह 20 साल में आपकी कुल देनदारी 1.3 करोड़ रुपए बन रही है, जिसके लिए आप हर महीने 41.822 रुपए की ईएमआई का भुगतान करते हैं। अब ब्याज दर बढ़ने के बाद आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्वेच्छा से ज्यादा ईएमआई बचने के लिए अपने बैंक से मौजूदा होम लोन को कम ब्याज चुकाते हैं तो इससे आपके लोन 41,822 रुपए की जगह हर महीने 0 रुपए की मासिक किस्त भरते हैं तो आपकी लोन की भुगतान 240 महीने से घटकर 16 महान हार रह जेमा। अगर बैंक 7% ब्याज दर पर रिफाइनेंस करता है तो 50 लाख रुपए के होम लोन पर ब्याज का हिस्सा 50.37 लाख से घटकर 43.03 लाख रुपए बचे। लोन ये अपने नियमित ईएमआई के साथ चुकाते हैं तो आपकी लोन अवधि 240 महीने कम होकर 137 महीने रह जाएगी। तब होगी अगर आप साल में एक अतिरिक्त ईएमआई जमा करते हैं तो लोन अवधि घटकर 199 महीने रह जाएगी। टेबल से ऐसे समझे बचत का गणित। फर्जी टीएफ जदर यदि ही कराने पर फीसटी 9 साल 00 मौजूदा बैंक से 7% 9 साल नए बैंक से 7% 9 साल 20.000 118,358 यट एच अवधि शुद्रकत एस 000 133,358 ब्याज दर की तुलना जरूर करें। रिफाइनेंस कराते समय यह जरूर देखें कि आप जिस बैंक से यह सुविधा ले रहे हैं वो मौजूदा बैंक से कम कत होते हैं। अनुपानित बचत कराने की सोचे आदिल शेट्टी सीईए बैंक बाजार लागत से ज्यादा हो तभी अपना हलोन रिफाइनेंस